अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीर वलीम और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं नुमाइश चौरंगी पर। स्वीडन में कुरान मस्जिद की बदतरीन बेहरमती के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों का शदीद एहतजाज। तहरीक लबैक पाकिस्तान के हजारों कारकुन सड़कों पर निकल आए। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। लबैक या साहब अल कुरान मार्च के नाम से कराची में नुमाइश चौरंगी से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जा रही है। जिसमें हजारों अफराद सड़कों पर निकलकर स्वीडन की नापाक जिसारत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। स्वीडन में जो कुरान मस्जिद की बदतरीन बेहरमती जो हुई है उसके बारे में आप कहें। देखिए, कौम निकली है एहतजाज के लिए, कौम एहतजाज ही कर सकती है, लेकिन हुकूमत का काम यह है कि वो जिहाद का ऐलान करे, क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर पर उतरने वाली किताब, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। कायनात की सबसे अजीम तरीन किताब है, इसकी बेहरमती की गई है, तो हुकूमती सतह पर इसका जवाब बनता है। कौम एहतजाज कर रही है, कौम अपना हक अदा कर रही है, कर रही है, मसला जिहाद के जरिए हल होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को हुकूमत को चाहिए कि वो जिहाद का ऐलान करेंगे, तब ये लोग खबीस जो है ना आराम करेंगे, वरना आए दिन हमारे महबूब की और महबूब की किताब की लारैब किताब की उसकी गुस्साखी करते हैं। जब तक इनके खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं किया गया तब तक ये हरामी जो है ना सुकून से नहीं बैठेंगे। कराची को पैगाम देना चाहते हैं, अपना कुरान को नहीं, हमारे दिन हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए यार। आज पूरे कराची को कहते हैं निकलो यार, दीन की जरूरत है, अपने निकलो, कभी भी नहीं निकल सकते यार। मुसलमान जितने भी या मशरिक में या मगरिब में, उनसे मैं ये सवाल करता हूँ, अगर अभी अभी आप लोग नहीं निकलते इस कुरान के वास्ते, फिर कभी निकलने की तौफीक नहीं मिलेगी। और पहली बात, पाकिस्तान के हुक्मरान हो या किसी बैरूनी ममालिक के मुसलमान हो, अगर इस कुरान पाक को मानते हो, कुरान पाक के लिए आवाज उठाओ। आप लोग जब कब्र में जाओगे नबी करीम अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाओगे? ये वक्त है, हम न रोटी के लिए, न कपड़े के लिए, न मकान के लिए, न गैस के लिए, न बिजली के लिए, हम कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकले हैं। अब सब गैरतमंद मुसलमानों का हमारी तरफ से दावत है, आप लोग निकलो, अपने बच्चों को भी निकालो, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे।